छोड़ा स्कूल एंड माय यूकेजी चिल्ड्रन. सो आज हम रिवीजन करेंगे अबाउट फैमिली, घर, परिवार, मेरी फैमिली. कितना प्यारा सा टॉपिक है ना. कितनी सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं फैमिली से. वो फैमिली जहाँ पर हम लोग अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ रहते भी हैं और एक दूसरे के साथ हर फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फैमिली. और इसके बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं. तो इट्स अ टाइम ऑफ रिवीजन. अभी आज हम रिवीजन का टाइम है तो हम लोग फैमिली के बारे में आज हम बात करेंगे. इट्स लाइक अ रिवीजन. सो दिस इज़ यू नो एक फैमिली के बारे में, एक घर के बारे में. मुझे एक अच्छा सा सॉन्ग भी याद आ रहा है, कितना सुंदर मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार मुझे सिखाता बहुत कुछ, संस्कार और प्यार है ये मेरा परिवार. तो आज हम इसी परिवार, इसी फैमिली के बारे में दोबारा से अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ेंगे और अपने बेबीज़ के साथ तो बात हम करते ही हैं. इनफैक्ट मैं कर ही रही हूँ. तो फैमिली मींस आप क्या समझते हैं बेबीज़? थोड़ा सा तो मैंने आपको बताया ही है. फैमिली का जैसे दो तरह की फैमिलीज होती हैं, वन इज़ न्यूक्लियर एंड वन इज़ जॉइंट. जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली में जो है कौन कौन होता है न्यूक्लियर फैमिली में आप बताओ. न्यूक्लियर फैमिली जो है उसमें सिर्फ मम्मा पापा, आप और आपके सिस्टर, मतलब थोड़े से लोग रहते हैं. और जॉइंट फैमिली होती है बहुत बड़ी. आपको याद आया होगा हमने इसके बारे में पहले भी काफ़ी बार बात की है फैमिली के बारे में. तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे. और सो प्लीज़ बेबीज़, यूकेजी चिल्ड्रन, मैं आपसे बात कर रही हूँ. कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स. आपको सारे फैमिली मेम्बर्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है. नाउ अभी आपको क्या करना है, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. अभी आप जो है मुझे अपनी फैमिली मेम्बर्स के नेम बताएंगे. ओके, यस, आई कैन हियर योर वॉइसिस. अच्छा, अभी एक बात मैं आपसे और पूछ रही हूँ. वॉट इज़ द वन फेवरेट थिंग ऑफ ईच मेम्बर्स? मतलब आपकी फैमिली के हर एक मेम्बर की फेवरेट चीज़ें क्या क्या हैं? जैसे मान लीजिए, सपोजिंग आपकी फैमिली में दादी रहती हैं, या आपकी फैमिली में दादा हैं, या चलो पापा या मम्मा, जो भी, मतलब एवरीबडीज़, जिस तरीके की भी फैमिली में आप रहते हैं, वेदर इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली, वेदर इट्स अ जॉइंट फैमिली, तो आपको पता होगा कि आपकी फैमिली में हर एक मेंबर की चॉइस क्या है, हर एक मेंबर का जो है फेवरेट चीज़ क्या है. हाँ, जैसे दादी का फेवरेट जो है वो, मान लो दादी को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और दादी की फेवरेट चीज़ जो है वो वूल है. हाँ, इस तरीके की चीज़ लाइक फेवरेट फूड, सबकी पसंद का जो फूड है, खाना है, वो क्या है. यानी दादी जो हैं, दादाजी क्या खाना पसंद करते हैं, दादी क्या खाना पसंद करती हैं, या पापा क्या खाना पसंद करते हैं, मम्मा क्या खाना पसंद करती हैं. सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फैमिली इन अ ड्राइंग नोटबुक. आपको ड्राइंग की नोटबुक में एक फैमिली की जो है, अपनी फैमिली की ये एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. ओके, सो दिस इज़ जो मैं अब बोल रही हूँ ये पेरेंट्स के लिए है. माई रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ. डोंट एक्सपेक्ट द परफेक्शन इन दिस एज. ये जो बच्चे करेंगे ये उनकी अपनी इमोशंस के साथ करेंगे, अपनी भावनाओं, बहुत ही प्यारी सी भावनाओं के साथ करेंगे. अपने एक्सप्रेशंस को वो पेपर पर, समझ लीजिए अपनी ड्राइंग बुक में, अपने एक्सप्रेशंस को वो दे रहे हैं. तो उनसे बहुत परफेक्शन की एकदम से आप लोग ये उम्मीद नहीं करिएगा कि भाई ये बिल्कुल परफेक्ट होगा. नहीं, बस उस चीज़ में छुपी हुई खूबसूरती हमें देखनी है कि उनको ये पता होना चाहिए कि उनके फैमिली मेम्बर्स को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, उनके फैमिली में कितने कितने लोग रहते हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए, आपके लिए, हमारे लिए. सो मेरा मतलब ये कहने का यही था कि परफेक्शन इस एज में बिल्कुल भी आप उम्मीद मत रखिएगा. आई मीन बस उनकी फीलिंग्स और उनकी भावनाओं को समझिएगा इस एक्टिविटी में. एंड इन द एंड मोटिवेट द चाइल्ड. आपको अपने बेबीज़ को एंड में हमेशा मोटिवेट करना है. यस, वेरी गुड, वाओ, यू हैव डन गुड. आपने इतना खूबसूरत बनाया, इतना ब्यूटिफुल बनाया. माई गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल पिक्चर यू हैव मेड. हिम और हर, जो भी, मतलब इट्स, वेदर इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय,
ये इंस्ट्रक्शंस, ये दो तीन जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैंने अपने रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स के लिए दी हैं, ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे। सो अब आपको पेरेंट्स को आस्क द चाइल्ड अबाउट हिज हर फेवरेट कलर फूड एंड टॉय। अब जो है आप अपने बेबी से, मैं भी पूछ रही हूँ आप भी पूछेगा डियर पेरेंट्स, कि अब उनके जो है फेवरेट कलर फूड और टॉयज़ क्या क्या हैं। मतलब अगर उनसे पूछा जाए कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है, मैं आपको अभी एक चीज़, अभी एक कार्ड भी दिखाऊंगी फॉर एन एग्जांपल, ओके। सो इस तरीके से आप उनसे पूछिएगा। चाइल्ड विल कलेक्ट द पिक्चर्स, बेबीज़ जो हैं वो पिक्चर्स कहाँ से कलेक्ट करेंगे, फ्रॉम मैगजीन्स, फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर। सो पेरेंट्स प्लीज़, अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ पेरेंट्स, यू विल कट ऑल दीज पिक्चर्स। Child will paste these pictures in a scrapbook. Now I am going to show you an example कि उनको किस तरीके से करना है, and please appreciate their work in the end. Okay? Like this, Shilpa ma'am ने अपनी ये picture यहाँ पर paste की हुई है. This is written here, my family फेवरेट कलर, मतलब ये बेबी को अपने लिए करना है फेवरेट कलर, माय फेवरेट टॉय, माय फेवरेट, उनका फेवरेट क्या है, और हियर इज़ दिस, मतलब ये पिक्चर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माय पिक्चर, तो ये मैंने दिखाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर इस तरीके से अपनी पिक्चर को पेस्ट किया। सो जस्ट लाइक दिस, माय फैमिली, ये फैमिली पिक्चर हो जाएगा, फेवरेट कलर, माय फेवरेट टॉय, माय फेवरेट, मुझे और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाइक दिस। सो इट्स वेरी इमोशनल एंड वेरी वेरी फनी एक्टिविटी ऑल्सो, इसमें वो लोग मन से जुड़ेंगे इस एक्टिविटी से, और वो बहुत इसको करने में उनको मज़ा भी आएगा। इनफैक्ट पेरेंट्स, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है इस एक्टिविटी में। सो लेट्स डू इट, लेट्स डू दिस, यू नो दिस एक्टिविटी इज़ रियली रियली वेरी वेरी टचिंग, मेरे हिसाब से बहुत टची एक्टिविटी रहेगी ये। सो लेट्स डू इट।